हेलो हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जिनके पोएट हैं कमलादास। कमलादास का जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था। यह छोटी कहानी और कविता लिखना पसंद था इन्हें। हैज़ अर्न ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। यह भारतीय कवित्री है जो इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर में दोनों में अपना एक अच्छा योगदान दी है। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश इन 1976 क्रिएट ए क्वाइट स्टीर। In 1984, she was shortlisted for the Nobel Prize for Literature. Her important volume of verse in English includes Summer in Kolkata, Sirens, The Descendant, The Old Playhouse and other poems. The Unmortal Poems, Only Saint Known How to Sing and Yes Allah. ये सब इनकी रचनाएँ हैं जो इन्होंने लिखी है। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नोबेल प्राइज़ इनको कब मिला था लिटरेचर के लिए, इनका जन्म कब हुआ था, और इनकी किसी भी एक कवि कविता का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है कविता किसके द्वारा लिखी गई है। कमलादास पोएट्री इज़ प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज़ लव ऑफ ए लोनली हार्ट। कमलादास की ज़्यादातर जो कविताएँ हैं वो उनकी ऑटोबायोग्राफी जैसी है। उनका जो थीम होता है वो प्यार होता है और अकेला दिल कैसे फील करता है, लोनलीनेस, उसके बारे में बताते हैं। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, प्यार जो क्या है, कभी नहीं ख़त्म होने वाला शौक है। लस्ट, ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सेटिएट, ये सब चीज़ जो है ये कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे भूख हो किसी चीज़ का या शौक हो। सी इज़ नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग, इनकी राइटिंग में सेक्सुअल एडवेंचर देखने को मिलती है। फॉर हर लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, विच इवन रीचेज द पॉइंट ऑफ नोसिया and is reborn again and again with new vigor. Kamaladas reveals a commendable mastery of phrase and control over rhythm. The words are often painted and the rhythm is marvelously, almost fearlessly alive. कुल मिलाकर कमलादास जो है सख्त हार्ड महिलाएँ हैं, कठोर, जो कभी भी किसी भी तरीके से अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देती हैं। हर एक सिचुएशन में महिलाओं के लिए, हक के लिए बोलती हैं। इन्हीं कविताओं में प्यार देखने को मिलता है, लोनलीनेस देखने को मिलता है, सेक्स एंड लस्ट, आप लोग समझते हैं काम वासना, उससे अलग, उससे हट के इनकी जो कविताएं होती है वो होती हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं इनके कविता की ओर, इनके लिटरेचर की ओर। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस, एक घर है जो कि बहुत दूर है। आई रिसीव लव, जहाँ पर मुझे प्यार मिलता था। दैट वुमन डाइड, जो इन्हें प्यार देती थी महिला, वो मर गई। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस एंड स्नेक मूव, और अब जो घर है वो शांत हो गया है, वहाँ पे सांप घूमते रहते हैं। सांप कहाँ पे घूमते रहते हैं आइए हम बताते हैं। एमोंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग, यह बुक जो है, बुक के आसपास सांप घूमते रहते हैं, हो सकता है अलमीरा होगा या कुछ जगह होगा जहाँ बुक रखा हुआ है। आई वॉज टू यंग देन, मैं तब बहुत छोटी थी, युवा थी। टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, तब मैं उस बुक को पढ़ने के लिए काफ़ी युवा थी, काफ़ी बच्ची थी। माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, मेरा जो खून है वो चांद की तरह ठंडा हो गया। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, प्राय मैं वहाँ जाने के लिए सोचती हूँ। देयर टू पियर थ्रू द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, मैं वहाँ जब भी जाने के लिए सोचती हूँ वहाँ झाँकूँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ की खिड़कियों से देखूँ अंदर, जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहाँ की सर्द हवाएं को महसूस करूँ, सुनूं, और इन विल डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, और वहाँ से जब भी मैं जाती हूँ, जाने की सोचती हूँ, तो मुझे निराशा लगती है। सोचती हूँ कि जाऊँ वहाँ से, आर्मफुल मतलब होता है बाहों में भरकर, आर्म मतलब बाह होता है, बाहों में भरकर, डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, वहाँ से उसे समीट के ले आऊँ, वहाँ की यादें, वहाँ की चीज़ें। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, और उसे अपने बेडरूम के डोर के पास रख दो, जैसे हम लोग ब्रूडिंग डॉग, जैसे कि हम लोग कुत्ते को रखते हैं, पालते हैं। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच हाउस, कैन यू, यहाँ पे जो लिखा गया है यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, शायद हो सकता है इनका जो ये मैसेज है, जो बातचीत कर रहे हैं, ये ऑथर्स के लिए, सॉरी क्षमा कीजिएगा, हमारे लिए, यानी कि जो इसे पढ़ रहे हैं उसके लिए, या फिर अपने पति के साथ ये बात कर रहे होंगे, उस संदर्भ में इन्होंने डार्लिंग शब्द का यूज़ किया है। कैन यू दैट आई लिव्ड इन दैट सच हाउस, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं ऐसे घर में रहती थी। वाज प्राउड एंड लव्ड, जहाँ पे, जिस पे मुझे गर्व है और जहाँ मुझे प्यार मिलता था। आई हु हैव लॉस्ट
मैं वो हूँ जो सब कुछ खो चुकी हूँ। माय वे एंड बेग नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड है जिसको आप लोग देखिए, डिफिकल्ट वर्ड है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।